वो स्कूल से परीक्षा दे के निकली थी। राजेश व्हीकल में जा कर रहे, इसमें एक लोडर आया और उसने इन दोनों को बैठा लिया। उनको मोहम्मदपुर अपने गांव जो है रुकना था, वहां जब गाड़ी उस गांव पर न रुक करके थोड़ा आगे बढ़ी तो इन लड़कियों ने जो है फिर उसको जो है लोडर चलते हुए लोडर से कूद करके नीचे कूद गई, जिससे इनको चोट आई थी, सर में चोट आई थी। फिर लोगों ने जो है जब चूंकि वो गिरते हुए लोगों ने देखा तो दौड़ा करके पकड़ा, गाड़ी को पकड़ के थाने लाया गया। लेकिन ये लोग कहीं इलाज में रहे और उसके आर्थिक मदद के लिए, जैसा कि कोतवाली इंस्पेक्टर ने बताया कि उन लोग आपस में कुछ पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे, इसलिए कोई गहरी उस समय तत्काल नहीं दी। गाड़ी में लोडर गाड़ी उसमें कस्टडी में लेकर के थाने पर रखी गई है, अब भी है मौजूद। और इनका मुकदमा जो है विलम्ब से कायम किया गया है। इस संबंध में पूछने पर इंस्पेक्टर का कहना है कि मुझे तहरीर नहीं दी गई थी, तहरीर जैसे मिले उसके एक दिन बाद मैंने मुकदमा कायम करवा दिया और उसमें जो है तदनुसार धारा की बढ़ती करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, 9 तारीख को पीड़ित परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था और जब कल लड़की की मौत हो गई इसके बाद आनन फानन मुकदमा दर्ज किया गया है। 9 को दिया गया था, इस संबंध में ये प्रकरण में संज्ञान में आया तो मैंने सीओ को इसके लिए जांच के लिए संदर्भित किया है कि पूरे प्रकरण की शुरू से लेकर अंत तक की जांच करें और यदि मुकदमा लिखने में हमारे थाना स्टाफ या किसी द्वारा कोई लापरवाही व्यक्ति हुई है तो उसका स्पष्ट रिपोर्ट दें ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की।